गांव गांव में शोर मचावे कहे कि हमरे आंधी है। तो चमचा जाके कहता है कि हमरे वोट दिए, गांव गांव में शोर मचावे कहे कि हमरे आंधी है, आ जनता सबके बुड़बक समझे चमचा लोग के चांदी। चल लगल ना धाओ, कुछ तो पॉकेट गरम होते आ गए चुनाव चुनाव चमचा लोग के जीवनी। नमस्कार, आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। इस समय खास मुलाकात में हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के पास में, जो एक शिक्षक भी हैं और गीतकार भी हैं। इनके लिखे हुए कई ऐसे गीत हैं जो कई लोगों को स्टार बना दिया है। कई ऐसे मगही गायक हैं, भोजपुरी गायक हैं, जो इनके द्वारे लिखे हुए गीत को गाने पर आज मिलियन व्यू उनका जाता है। हम उनसे आज मुलाकात कराएंगे और जानना चाहेंगे उनसे कि आपने इसका शुरुआत कब से किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या इसमें बीच में क्या क्या समस्या आई है। तो सबसे पहले हम आपको परिचय कराएंगे। मेरे साथ बैठे हुए हैं गीतकार शिक्षक समुंदर जी। आप आपका पूरा नाम क्या हुआ सर? मेरा पूरा नाम समुंदर सिंह है। मैं आपको पहले दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इसके लिए बुलाया, और मैं तमाम दर्शकों का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप। ये जैसा होता है कि जो साहित्य है वो एक नशा है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? बिल्कुल नशा है। कहा जाता है कि साहित्य में लोग आते हैं, खासकर गीतकार गायक वगैरह रहते हैं, तो चाहे तो उनको प्यार में धोखा मिलता है तो लिखना शुरू करते हैं, या ना तो किसी माता पिता या भाई बहन प्रेमिका किसी से, अतः प्रेम मिलने के बाद इस लाइन में उतरते हैं, या फिर समाज से प्रेम हो जाता है। तो आपको क्या लगा है? चोट लगी सब, है कि ना, सब सब अपना अपना विषय है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है लिखना स्टार्ट किए हैं समाज में कुछ देख करके, समाज से प्रेम आपको मिला? हाँ, समाज से को देख करके। कुछ गाते नहीं, हम लिखते हैं। अच्छा, लिखते। मेरा लिखा हुआ गीत जो है, आप मिथिलेश चौहान को सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, मिथिलेश चौहान। कैसा गायक है वो? वो मगही उनका गाना, इतना सामाजिक वो गाना गाते हैं, उनका मतलब एक भी ऐसा गीत नहीं मिलेगा उनका जो अश्लील होगा। कहाँ के हैं? वो पटना के हैं, और उनकी की एक बच्ची है छोटी सी, मात्र 8 साल की। अच्छा, अभी आज एक इंसानियत हुआ शर्मसार, आप सुनिएगा गीत मेरा लिखा हुआ। किस प्लेटफॉर्म पर सर? MR चौहान ऑफिशियल, समझे, उस पर 1 मिलियन आज पार हो गया है, 10 लाख भी मात्र 10-12 दिन हुआ है गाना रिलीज के अंदर। आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। चलिए, तो ऐसा है तो हम एक कविता, मगही कविता सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पंचायती चुनाव आ रहा है, तो एक कविता थोड़ा हास्य व्यंग भी है और इसमें कुछ सीख भी है, समाज को देने का प्रयास करेंगे, और हम चाहेंगे कि मैंने इसको ध्यान से सुना जा। कविता के शीर्षक है चुनाव में चमचा। बिल्कुल, इस समय जो है चमचागिरी ज्यादा चलता है। हाँ, तो जे थोड़ा मगही में बोल लेवल जाए, बढ़िया रहते ही, कि जे चुनाव के पहले कुछ नेता लोग जे सक्रिय हो जाती, वो 1-2-4 चमचा छोड़ देती, आ वो चमचा के बखान मने करी थी हम कविता के माध्यम से चुनाव में चमचा। देखिए ऐसे वो प्रचार कर रहती जाके, कि गांव गांव में शोर मचावे कहे कि हमरे आंधी है। तो चमचा जाके कहता है कि हमरे वोट दिए, गांव गांव में शोर मचावे कहे कि हमरे आंधी है, आज जनता सबके बुड़बक समझे चमचा लोग के चांदी है। चमचे लोग के मने इस समय चांदी है ये है। देखिए कैसे कि चमचा लोग के स्थिति, कि रोजगार ला दौड़ल चल रही लगल ना ही दाव, रोजगार ला दौड़ल चल लगल ना दाव, कुछ तो पॉकेट गरम होते आ गए चुनाव चमचा लोग के जीवनी। कि जनता सेवा मन में उमड़े खीस रहल नाक पर। देखिए कैसे पहले जो गाँव में मतलब लड़ाई झगड़ा भी कर रहा था, आज एकदम देखिए कितना जनता सेवा में चमचा लोग समझा रहा है, कि जनता सेवा मन में उमड़े खीस रहल नाक पर, आ जनता सबके पाठ पढ़ावे वोट मरीह जात जात, जात पात के नाम से बनित न देखल काम, जात पात के नाम से बनित न देखल काम, करे लगल नेता लोग के अपने में बदनाम। चमचा लोग के गुण ही सब है,
कि पढ़ल लिखल के नोट थमावे अनपढ़वन के दारू, जो पढ़ल लिखल भी लोग रहा थे वहू मने ये तो दृश्य पहले का मैंने बयां कर दिए। हाँ। अब तो बिहार में शराबबंदी है। हाँ शराबबंदी है तो उस पहले देखे पहले हाँ, हाँ पहले जो देखे हैं उसके अनुसार जो है कि पढ़ल लिखल के नोट थमावे अनपढ़वन के दारू आ मुर्गा मछली घर में दे द खुश रहते मेहरारू कि पढ़ल लिखल के नोट थमावे अनपढ़वन के दारू मुर्गा मछली घर में दे द खुश रहते मेहरारू आ नेताजी के हार होके त चमचे बढ़े चमचा पर दाब। नेताजी अगर हार गेलन तब चमचा के स्थिति कि नेताजी के हार होके त बढ़े चमचा पर दाब आ तब जाए कमाए चमचा दिल्ली या पंजाब। हारला के बाद कोई मौका ना कोई पूछने वाला ना। हाँ नेता से बढ़का हथी हाँ चमचा लोग अभिनेता जी, नेता से बढ़का यहाँ हथ चमचा लोग अभिनेता जी आ चमचा के चतुराई देख जीतस जब जब नेता जी, जब जब नेता जी दिखते हैं तब उनका चतुराई। हाँ चतुराई देखिए कि भर चुनाव के छीटल दौलत जितला पर काटे खेत, भर चुनाव के छीटल दौलत जितला पर काटे खेत आ नेताजी से भेंट कराई पहले मांगे भेंट कि भर चुनाव के छीटल दौलत जितला पर काटे खेत आ नेताजी से भेंट कराई पहले मांगे भेंट आवेला जब दिन चुनाव के नोट पर वोट दिवावेला कि आवेला जब दिन चुनाव के नोट पर वोट दिवावेला आ जितला पर अपना नेताजी के चार साल भरमावेला आ अंतिम लाइन में कि पाँचवा साल फिर आवे मैदान में कहे कि जनता बांदी है, बांदी मने दासी, कहे कि जनता हमर बांदी है पैसा पर हम खरीद कि पाँच साल फिर पर फिर आवे चुनाव में कहे कि जनता बांदी है जनता सबके बुड़बक समझे चमचा लोग के चांदी है गांव गांव में शोर मचावे कि कहे कि हमरे आंधी है जनता सबके बुड़बक समझे चमचा लोग के चांदी है। बिल्कुल आपने पोल खोल दिया दम। अब ये कविता जो है मतलब चमचा ऐसा नहीं है, चमचा सब लोग समझते हैं जो वोट दिवाने वाले नेताजी के रहते हैं दावा ठोकते हैं कि इतना वोट इस गांव से इस मोहल्ले से मिल जाएगा। हाँ तो वो जो है उस विषय पर था और ये सब जनता लोग भी समझदार हों के ये जो खरीद बिक्री चलता है वोट का इससे बचें और चमचा लोग के चक्कर में नहीं आवे। और बिल्कुल इस समय तो जो है पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अब समझ लीजिए कि अब कोई ऐसा गांव नहीं रह गया है जहां इसके संबंध में चर्चा नहीं हो रहा हो। हर जगह मैंने इसकी चर्चा की, फलाने लोग खड़े हो रहे। अब तो लोगों का चेहरा भी सामने आने लगा कि कितने प्रत्याशी क्षेत्र में हैं। लेकिन इस बार समुंदर जी देखिए वार्ड सदस्य लड़ने के लिए लोगों का इस समय मैंने संख्या ज़्यादा हो गई है। अब ये तो आपने चमचा की बात कर दिए, अब थोड़ा सा नेताजी पर अगर है कुछ तो प्रकाश डाल दीजिए कि आज के नेता और कल के नेता में क्या फर्क है और कैसा नेता होना चाहिए। देखिए तो होते हैं कि बहुत सारे ऐसे बरसाती मेढक के तरह भी सामने आ जाते हैं जिनका विकास के दरमियान गाँव के विकास में कोई खास भूमिका भी नहीं होती है लेकिन आज चुनाव लड़ने के लिए सामने आ गए हैं। दर्शक इस चैनल के माध्यम लोकतंत्र से आप देख रहे हैं, इस चीज़ को एकदम आप निश्चित कीजिए कि यदि तो पर्सनल लाभ न देख करके सामाजिक लाभ को जो समाज का विकास हो विस्तार हो इस पर जो अगर हम लोग सब ध्यान देंगे तो चुनाव भी बढ़िया से होगा, उम्मीदवार भी बढ़िया जीतेंगे और विकास भी खूब। चलिए आज समुंदर जी से आपको हमने मिलाया और बहुत सारे चीज़ों पर इनके व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी प्राप्त की कि कैसे कैसे या क्या करते हैं, किस तरह के गीत गाते हैं, तमाम चीज़ों पर हम इनसे रूबरू हुए और आपके लिए पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम चीज़ों पर इन्होंने फोकस किया अपने गीत के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से। फिलहाल हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।